हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ डेटा डेटा क्या है द टर्म डेटा इज डिफाइंड एज अ रो एंड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज और अनस्ट्रक्चर फैक्ट्स होते हैं जिसे जरूरत पड़ती है प्रोसेस करने की टू मेक इट मीनिंगफुल वट इज़ इंफॉर्मे इन्फॉर्मेशन क्या है द टर्म इंफॉर्मेशन इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ डेटा डेट इज़ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिन रिक्वायरमेंट इन अ मीनिंगफुल वे जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल डेटा होता है चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफ्रेंस वट इज़ डेटा डेटा इज अनऑर्गेनाइज एंड अनरीफाइंड फैक्ट्स जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज और अनरिफाइंड फैक्ट्स होते हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल डेटा होता है नेक्स्ट इज़ जो डेटा है वो किस पे डिपेंड करता है डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है डेटा पर डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा नेक्स्ट इज नॉलेज लेवल डेटा इज लो लेवल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इज द सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज लेवल जो डेटा है वो लो लेवल नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज है नेक्स्ट इज हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा कैन बी इजिली स्ट्रक्चर्ड एज द फॉलोइंग फर्स्ट इज टब्लर डेटा सेकेंड इज ग्राफ थर्ड इज डेटा ट्री इंफॉर्मेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज द फॉलोइंग फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज आइडियाज थर्ड इज थॉट्स जो डेटा है उसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वे फर्स्ट इज़ टेबुलर डेटा सेकेंड इज ग्राफ थर्ड इज डेटा ट्री इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वे लाइक लैंग्वेज आइडियाज़ थाट्स वट इज़ डेटा डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज और अनरिफाइंड फैक्ट्स है इंफॉर्मेशन क्या है इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल डेटा है डेटा किस पे डिपेंड करता है डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है डेटा पर नॉलेज लेवल के कंसर्न में जो डेटा है वो लो लेवल नॉलेज है और जो इंफॉर्मेशन है वो सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज है डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबलर डेटा ग्राफ में डेटा ट्री में और इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आइडियाज एंड थॉट्स नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग Data is insufficient. Raw data alone is insufficient for decision making. And in the terms of decision making, information is sufficient. Information is sufficient for decision making. For decision making, data is insufficient. And for decision making, information is sufficient. Next is data refers to the raw facts that have. नो स्पेसिफिक मीनिंग डेटा जो है वो रेफर करता है रो फक्ट्स को जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसेस डेटा डैट हैज़ अ परपज एंड अीनिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रेफर करता है प्रोसेस डेटा को जिसका मीनिंग भी होता है और परपज भी होता है डेटा रेफर्स टू द रो अफेक्ट डेट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग इन डेटा information refers to the processed data that has a purpose and meaning in the terms of format in the terms of format data jo hai wo comes in the form of letters numbers or a character set in the terms of format information is refined form of actual data इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेट जो डेटा है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स की फॉर्म में नंबर्स की फॉर्म में और अ करेक्टर सेट की फॉर्म में लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो रिफाइंड फॉर्म होती है एक्चुअल डेटा की जो डेटा है वो अनरिफाइंड डेटा होता है और जो इंफॉर्मेशन है वो रिफाइंड फॉर्म होती है एक्चुअल डेटा की नेक्स्ट इज एग्ज़ाम्पल डेटा का क्या एग्ज़ाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ डेटा इज स्टूडेंट टेस्ट स्कोर जो एग्ज़ाम्पल है डेटा का वो है स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर और जो एग्ज़ाम्पल है इंफॉर्मेशन का वो है इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास दैट इज ड्राइव फ्रॉम गिवन डेटा एक एवरेज स्कोर होगा क्लास का जो कि ड्राइव निकला होगा फ्रॉम द दिए गए डेटा से एवरेज स्कोर ऑफ क्लास डेट इज ड्राइव फ्रॉम गिवन डेटा इन द टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डेटा जो है वो इन होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशियंट होती है इन द टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग Data refers to the raw facts that have no specific meaning, but information refers to the processed data that has a purpose and meaning. Data comes in the form of letters, numbers, or a character set. Information is refined form of actual data. Example of data is student test score, and example of information is average score of class that is derived from given data. तो ये था डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक like करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग